हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा रीजनिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, कल की जो वीडियो है 27 अक्टूबर 2020 की, वो एरर की वजह से कल नहीं आ पाई थी, तो वो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। और आज की वीडियो जो 28 अक्टूबर की है करंट अफेयर की, वो भी जल्दी अपलोड करूँगा। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपका जो रूटीन है प्रिपरेशन का, वो बिल्कुल भी ना बिगड़े, वो बिल्कुल भी ना टूटे। इसलिए जो वीडियो मिस होती है वो मैं अगले दिन डाल देता हूं, ठीक है? तो बस आप अपना पूरा सहयोग और अपना पूरा सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 27 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है 24 अक्टूबर। जी हाँ, अभी हाल ही में 24 अक्टूबर 2020 को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है। और आगे हम बात करें इस दिवस की, तो 24 अक्टूबर को ये जो दिवस है वो लोगों के में पोलियो के प्रति जो रोकथाम है उसके प्रति जागरूकता फैलाने और पोलियो के उपचार के लिए ये दिवस जो है वो मनाया जाता है, ठीक है? जैसा आप यहाँ पे थीम के अंदर देख सकते हैं, ड्रॉप ऑफ पोलियो, ठीक है? तो इसकी जो थीम है इस साल की वो क्या है? ए विन अगेंस्ट पोलियो इज़ ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ, ठीक है? ये जो है ये इसकी क्या है थीम है। मैंने आपको बताया था कोई भी इंटरनेशनल डे जब मनाया जाता है तो उसकी कोई ना कोई थीम होती है, यानी कि उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो इसका क्या उद्देश्य है? ए विन अगेंस्ट पोलियो इज विन फॉर ग्लोबल हेल्थ, ठीक है? दिस इज द मेन थीम ऑफ वर्ल्ड पोलियो डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है? जैसा आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, नो मास्क नो सर्विस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन? शेख हसीना। याद रखिएगा कौन है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री? शेख हसीना। शेख हसीना के नेतृत्व में ये फैसला लिया गया। उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश के अंदर जो भी लोग अपने कार्यस्थल पर, अपने ऑफिस, यानी कि अपने ऑफिस जिसे बोलते हैं दफ्तर, उसके अंदर अगर कोई बिना मास्क के प्रवेश करता है तो उसे वहाँ पे सेवाएं देने और वहाँ पे जॉब करने का कोई अधिकार नहीं है। ये किसने कहा है? शेख हसीना, जो वहाँ की प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा है। और बांग्लादेश के अंदर ये रूल हुआ, वो स्ट्रिक्टली लागू किया गया। किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से ये रूल बनाया गया है, ठीक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बांग्लादेश। प्रधानमंत्री मैंने आपको बता दिया, शेख हसीना। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। याद रखिए, क्या है बांग्लादेश की राजधानी? ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजराती फिल्मों के किस प्रसिद्ध संगीतकार एवं पूर्व भाजपा सांसद का 83 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है महेश कुमार कनोडिया। जी हाँ, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। महेश कुमार कनोडिया जो थे वो गुजराती फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार थे। गुजराती फिल्मों के अंदर बहुत से संगीत उन्होंने दिए हैं और वो अब पूर्व भाजपा सांसद भी रह चुके हैं। तो अब उनका 83 साल की उम्र में काफ़ी गंभीर बीमारी के चलते उनका निधन उन्हीं के घर पे, कहाँ पे? गांधीनगर में हुआ है। गांधीनगर में उनका घर है, वहाँ पे उनका निधन हो गया था, महेश कुमार कनोडिया का। और महेश कुमार कनोडिया की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें तो इनका जो निधन है वो 25 अक्टूबर को हुआ था। और अगर हम इनकी बात करें, इनकी खासियत क्या थी, तो ये 32 गायक, 32 सिंगर्स की वॉइस में ये गा सकते थे। 32 गायकों की आवाज़ के अंदर अकेले ये कौन? महेश कुमार कनोडिया, जिनकी पिक्चर आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर, वो 32 गायकों की आवाज़ में एक साथ गा सकते थे। ये उनकी विशेषता थी, ठीक है? ये उनकी क्या थी? विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया में प्रभाव रखने वाले 10 सबसे शक्तिशाली देशों में किस देश को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा प्यारा सा भारत, ठीक है? भारत को एशिया में प्रभाव रखने वाले 10 सबसे शक्तिशाली देशों में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं, इंडिया का ये रहा, ठीक है? ये रहा इंडिया का मैप। तो भारत जो है, अगर हम बात करें इनके आंकड़े की, ठीक है, इनके आंकड़े की अगर हम बात करें तो 2019 के अंदर जो इसका स्कोर था, प्रोडक्शन स्कोर जिसे बोलते हैं, पावर स्कोर, वो था 41.0 भारत का। अब 2020 के अंदर है 39.7, यानी कि 39.7। तो पहले से ये घटा है स्कोर, ठीक है? और भारत जो है वो चौथे नंबर पे आ गया है। सबसे पहले नंबर पे कौन चल रहा है? सबसे पहले नंबर पे चला है अमेरिका, ठीक है? ये बात भी आप याद रखिएगा, फैक्ट है, याद रखिएगा। सबसे पहले पे कौन चल रहा है? अमेरिका चल रहा है। और जो भारत है वो कितने पे आ गया है? चौथे नंबर पे आ गया, यानी कि फोर्थ रैंक पे। किसके अंदर आ गया ये? एशिया में प्रभाव रखने वाले देश, यानी कि पावरफुल कंट्रीज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है उत्तराखंड। जी हाँ, जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना के शुभारंभ की ही पिक्चर है। और ये किसने किया? ये वहाँ के मुख्यमंत्री कौन? त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है वहाँ के मुख्यमंत्री? त्रिवेंद्र सिंह रावत। कहाँ के? उत्तराखंड के। उत्तराखंड की राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो क्या है? देहरादून। याद रखिएगा, क्या है राजधानी? देहरादून। तो उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अभी हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की जो है शुरुआत की है। इसके तहत किसानों को अधिक उर्वरकता और अधिक उत्पादन के लिए खेती के बारे में जानकारी देने और किसानों को उच्च उत्पादन के लिए ब्याज मुक्त जो ऋण है उसकी सीमा 2 से 3 लाख रुपए करने का जो प्रावधान है वो किया गया है। ठीक है, यानी कि जो ब्याज ऋण है मुक्त ब्याज ऋण जो है वो 2 से 3 लाख रुपए प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में यानी कि किसानों को और किसानों को उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भी इसके तहत जागरूक किया जाएगा एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना के तहत। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? उत्तराखंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सीएम मैंने आपको बता दिया त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। नेक्स्ट वीडियो, केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण CGWA ने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने हेतु कितना दंड निर्धारित किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है 1 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल तक जेल। जी हाँ, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है 1 साल तक जुर्माना, 1 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल तक जेल। अब ऐसा क्यों किया गया है और ये ऐसा किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो ऐसा किया गया है CGWA के द्वारा। CGWA, ठीक है, CGWA क्या है? केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण। ठीक है, अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो आप ध्यान से देखिएगा, सेंट्रल ग्राउंड वाटर एसोसिएशन। ठीक है, CGWA काफ़ी बार पूछ लिया जाता है तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आपके नॉलेज में होना चाहिए। CGWA क्या है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर एसोसिएशन। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर एसोसिएशन ने भी हाल ही में पीने के पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि जो इसकी बर्बादी करेगा उन्हें 1 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल तक की जेल जो है वो मुहैया कराई जाएगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में कितने परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ठीक है, कितने परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है 3। जी हाँ, 3 परियोजनाओं का। आप पिक्चर में देख रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ठीक है, जिसमें सबसे पहली परियोजना किसानों के हित में है। अब हम बात करें नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में जो भी अपना कार्य है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कर रहे हैं। किस वजह से? कोविड-19 की वजह से। ठीक है, तो कोविड-19 की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकार के जो सारे कार्य हैं वो अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 3 इसका करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ए। नेक्स्ट, FATF ने हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पाकिस्तान। जी हाँ, FATF ने पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। अब बात करें FATF की, FATF क्या है? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। FATF क्या है? FATF की अगर हम लोग बात करें तो FATF आप देख सकते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है और इसने जो भी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है 23 अक्टूबर 2020 को, जिसके अंदर इन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। ठीक है, ग्रे लिस्ट के अंदर क्या है? बरकरार रखा है। अब देखिए, अब अगर हम बात करें इसके FATF की, तो FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो मार्क्स प्लेयर जो है इनके अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये क्या है? अब बात करते हैं ये क्या है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है? इसकी जो स्थापना है वो 1989 यानी कि 1989 के अंदर की गई थी। यह एक अंतर सरकारी दल है, अंतर सरकारी फोर्स है, जो कि आतंकवादियों के लिए जो हो रही फंडिंग है उसको रोकने और करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने में जो है वो भूमिका अदा करता है। ठीक है, तो FATF का जो कार्य है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका अब जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान को देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आलोक वर्मा को किस राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा की लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग क्या है? सिविल सर्विसेज होती है, जिसके तहत आप तहसीलदार SDM बनते हैं। उसका जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया? आलोक वर्मा को। जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो आलोक वर्मा जी की शपथ लेते हुए की पिक्चर है। ये आलोक वर्मा जी हैं और ये सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, जो वहाँ के हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वो हैं। अब देखिए, ये आलोक वर्मा की अगर हम लोग बात करें तो आलोक वर्मा क्या है? आलोक वर्मा जो है वो IFS अधिकारी हैं। ठीक है। आईएफएस अधिकारी हैं, आईएफएस अधिकारी मतलब इंडियन फॉरेन सर्विसेज, और आईएफएस अधिकारी होने के बाद इनका जब सेवानिवृत्ति हुई थी उसी के तुरंत बाद इन्हें जो है वो ड्यूटी दे दी गई है। किसकी ड्यूटी दे दी गई है? हरियाणा के लोक सेवा अध्यक्ष के रूप में इन्हें कार्यरत कर दिया गया है। ठीक है, पहले ये जो प्रोफेशनलिस्ट रहे हैं वो CM ADC टूर के और अन्य कार्यों के भी ये प्रोफेशनलिस्ट और अन्य कार्यों के कार्यभार को भी संभालने में माहिर हैं। इन्हें एक्सपीरियंस है, अनुभव है सिविल सर्विसेज का, इसलिए इन्हें राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त कर लिया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? हरियाणा। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन गाइज, उससे पहले आज की वीडियो टारगेट है 20+ व्यूज बस। ठीक है, 20+ तो आप करा ही दोगे। अब किस दिग्गज खिलाड़ी ने पुर्तगाल ग्रां पीर फॉर्मूला 1 रेस जीतकर अपने करियर की 92वीं जीत दर्ज करके माइकल शुमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन। जी हाँ, लुइस हैमिल्टन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लुइस हैमिल्टन ने जो है वो पुर्तगाल ग्रां प्री क्या है? ग्राउंडेड प्री फाइनल फॉर्मूला 1 रेस जीतकर अपने करियर की 92वीं जीत दर्ज करके माइकल शुमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इनसे पहले जो रिकॉर्ड था वो किसके नाम था? वो था माइकल शुमाकर के नाम। ठीक है, वो किसके नाम था? माइकल शुमाकर के नाम था। और अब जो है वो ये जो अवार्ड है वो किसके नाम है? लुइस हैमिल्टन के नाम है। और पुर्तगाल के अंदर जो ये है वो मैच खेला गया था। ये आप देख सकते हैं, ये जो मैप है ये क्या है? पुर्तगाल का है। ठीक है, इसके साइड में ये इटली है, ये यूरोप है, यहाँ पर ये फ्रांस है। ठीक है, और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा फिर? लुइस हैमिल्टन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थे गाइज 27 अक्टूबर 2020 करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक तो आप कर ही सकते हैं, लाइक करने का आपका कोई खर्च नहीं है। ठीक है, तो लाइक आप करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चैनल को और आगे से आगे मोटिवेट करते रहिए हमें, अपने कमेंट से अपनी राय देते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।